सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। और भाई इस वक्त जो है हम हिसार से लाइव जुड़ गए हैं और एक ईसा शख्स जो है हमारी गिल्ला लाइव है और आप सभी दर्शका के श्यामी है, जिसकी मैं अगर बात करूं सोनाली फोगाट, सुधीर सागवान जो इसका पीए था सोनाली फोगाट का, जिसने सारे एक एक करके जो सोनाली फोगाट के नज़दीकी उनके साथी थे सारे के सारे जो हटा दिए थे, उनमें से एक मुकेश शर्मा जो है मारी गिल्ला इस वक्त जो है लाइव जुड़ गए और आपके साथ। और पहले तो आपका जो है हमारे चैनल में स्वागत है जी, एक बार तो राम राम कर दो हमारे। जय राम जी की। अच्छा ये बताइए, आप सोनाली फोगाट के बिल्कुल कहीं ना कहीं नज़दीकी बोल सके हैं, क्योंकि साथ के जितने भी उनके कार्यकर्ता थे साथी थे सबको, जो उनका पीए था 2019 में मेरे ख्याल तो वो आया था, उसने एक एक करके सारे के सारे हटा दिए, तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो भाई साहब। बहुत जुड़े हुए थे सोनाली फोगाट जी। सोनाली फोगाट जी बहुत बढ़िया नेता थे, वो सबकी सुनते थे। मैं कहता हूँ कि एक बार तो रात को 11 बजे भी किसी का फ़ोन आ गया, भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो सोनाली जी कह रहे थे, बोले मुकेश जी और जे जी को फ़ोन किया है वकील साहब को, बोले आओ चलते हैं, वो वहाँ समस्या करके आते हैं वहाँ पर। तो पहले जी नलवा हल्के के अंदर होते थे, हम नलवा हल्के में भी जाते थे जी, वहाँ भी साथ रहे। उससे पहले हम सफाई अभियान चलाया था हमने एक, जो हिसार के अंदर झाड़ू के जो मतलब जहाँ गंद होता था हम जाते थे सफाई के लिए, वो भी हमारे हमने बहुत सेवा दी। वो भी सुधीर सागवान आने के बाद वो भी बंद होगी हमारी। अच्छा हाँ जी। उसके बाद फिर हम नलवे हल्के के अंदर जाते थे जी, वहाँ भी इन्होंने मतलब कि बहुत काम कराया लोगों का, बहुत बढ़िया काम कराया। और हमने जहाँ तक कि मारी वहाँ टिकट पक्की हो गई थी भी हमने नलवा से लड़ना है, लेकिन गंगुआ जी वहाँ चलो तीन नेता आ गए थे वहाँ पर बीजेपी में, तो उनको टिकट मिल गई। फिर हमारे को ये आदमपुर में हमारे को सेवा करने का मौका मिला सोनाली जी के साथ, वहाँ भी सोनाली जी ने अच्छा काम कराया, बढ़िया फसल टिकट मिली उनको रात रात में। और मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, शुरू शुरू में हमने 3-4 दिन के अंदर भी लोग इतना पसंद करने लगे थे सोनाली जी को, भी हम ये सोच रहे थे हम ये इलेक्शन जीत सकते हैं, हम थोड़ी सी मेहनत करें, तो वो हमने मेहनत करी, वो तो हमको ये लगने लग गया। सब ये कहने लग गए थे जितने भी आदमपुर के लोग हमारे से जुड़ गए थे, गांव के लोग भी जुड़ गए थे और शहर के लोग भी हमारे से जुड़ने लग गए थे धीरे धीरे। उसके बाद ये सुधीर सागवान का कहीं आगमन हो गया बाद, उसके बाद ऐसा भट्ठा गोल हो गया ना सर, मैं बताऊँ आपको, जहाँ मैडम जो प्रोग्राम में सवेरे 9 बजे 8 बजे आ जाती थी ना, उस प्रोग्राम में 12-12 बजे पहुँचने लग गई, मतलब शुरुआत कर दी थी उन्हें, जड़ काटना चालू कर दिया, जड़ काटना शुरू कर दिया था जी। फिर हमारे को भी इतना पता नहीं लगा, हमने भी मैडम को कहा, मैडम जी अब टाइम पे अभी अभी ऐसा नेता तो इनके पास था ही पहले जो टाइम पे नहीं आते थे बिल्कुल, तो अब हम इतनी सेवा तो करें लोगों की, कम से कम रहें तो साथ में। तो बोले नहीं मुकेश जी टाइम नहीं लगता, मीडिया वाले आ जाते हैं, ऐसा कुछ आ जाता है। अच्छा क्या लगा है आपने कि भाई जो गिल्ला रहनिया है वो इस तरह धोखा देव है और बड़ी आदमी के लिए स्त्री हुआ है? बड़ा दुख होता है भाई साहब, फील मन को फील होता था हमारे भी, हमारा मैडम फ़ोन नहीं उठाती हैं, लेकिन वो फ़ोन उनके पास होता था इसलिए नहीं उठता होगा हमारा फ़ोन। इससे पहले जो पीए थे इनके, इनसे पहले एक राजेश जी हुआ करते, राजेश बिश्नोई जी, उन फ़ोन क्या उठता, सब कुछ बातें होती थी सर हमारी, हम तो जब मर्जी चलने मिलने के लिए घर, जब सब काम, ये मैडम काम है हमारे को, बोले रात मतलब कि आधी रात को भी मैडम खड़ी होती थी काम करने के लिए, बोले चलो मुकेश जी चलते हैं, क्या बात है। उसके बाद सारे काम ही बंद हो गए सर, मतलब अब सोनाली मैडम के जाने के बाद ना हमारी दोनों बाजू कट गई सर, सही बात बताएं आपको, बहुत उम्मीद दी थी हमने 4-5 साल लगाए उन उम्मीदों को करने के लिए ना, वो काम अब ख़त्म हो गया सर। अब क्या लग है सरकार CBI जांच करवाओगी? सरकार को जोर तो दे रखा है जी CBI जांच कराने के लिए, अब देखते हैं लग है वो होगी कि नहीं होगी। हाँ लग तो रहा है जी, मनोहर लाल जी खट्टर जी से मिल के आए थे सारे ये लोग, तो बोले हम संभावना देते हैं भी आपको मिल के, जो कार्रवाई है लग उस तक कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो फिर अभी तक तो संतुष्ट नहीं है, थोड़े बहुत ये कोई लग नहीं रहा हमारे को, बाकी भगवान जानता क्या। गिरफ्तारी होगी थी उसके बाद आगे का प्रकरण नहीं चालू है, आगे की जो है कार्रवाई चालू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, हमारे को तो हमारे सामने तो अच्छे करते थे सुधीर सागवान जी, जो व्यवहार करते थे हमारे सामने तो अच्छे होता था व्यवहार, पर पीछे हमारे क्या काट होती थी हमारे, वो हमारे को नहीं पता इस बात का। अब जैसे जो उनके सामने तो वो मिलते थे हमारे को अच्छी तरह मिलते थे, जब मतलब ऐसे गले मिलना उन्होंने, आओ मुकेश जी आओ आओ, तो पीछे कैसा व्यवहार होता था उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि जो वो कटने लगी ना हमारे से जहाँ उन्होंने काटना शुरू कर दिया, तो फिर कुछ मतलब कि एक तो आदमी जहाँ जाता है उसकी होती है अभी ये पूछते हैं सब, एक वहाँ पूछे नहीं फिर वहाँ थोड़ा कम हो जाता है जाना, इसकी वजह से थी। सोनाली जी बहुत अच्छी नेता थी सर हमारे,
ना तो हमने कभी किसी का साथ दिया था, पहले भी हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, सोनाली मैडम जी के कारण ही बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। और बीजेपी में बड़े अच्छे घर वाले हैं अपने, और भी हैं रिश्तेदार, लेकिन अपने कभी जाने नहीं हुआ था। ऐसा है जी, सुधीर सागवान जी आने के बाद वही है भी, मैडम ने फ़ोन उठाना वगैरह बंद कर दिया था। फ़ोन उन्होंने क्या उठाना बंद कर दिया, फ़ोन रहते ही उसी के पास था, सुधीर के पास, तो वो क्या उठाएंगे, उस बंदे को उसको पता ही नहीं है फ़ोन आ रहा है कि नहीं, मेरे पास आ रहा है, और पता होगा तो फ़ोन उठाएंगे ना वो। अब कभी जैसे मेरी माता जी की डेथ हुई थी, उसमें भी सोनाली फोगाट जी आए थे, वहाँ भी बैठ के बात हुई थी, बोले मुकेश जी आपका नंबर बदल गया है, आप उठाते नहीं, मैडम मैं तो आपको फ़ोन किया था, आप पिक नहीं हुआ कॉल मेरा, बोली कोई बात नहीं। फिर मतलब बहुत अच्छे थे मैडम, क्या बताएं आपको सर, कुछ कह नहीं सकते आप। चलो भाई, ये थे हमारे किला मुकेश शर्मा जी, जो सोनाली फोगाट के कहीं ना कहीं समर्थक भी कह सका है, साथी भी कह सका है, सहयोगी भी कह सका है, क्योंकि उनके साथ खड़े रहे करते हमेशा, और एक एक करके जो इनका कहना कि सुधीर सागवान नांदे के साथ सारे के सारे जो है बैठ दिए थे, उनमें से एक थे मरियल्ला मुकेश शर्मा जी। तो भाई कर दो शेर, मैं हूँ धरा देसी पत्रकार नरेंद्र जामदा।